गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग द एक्सरसाइज 6.1। सम नंबर 11 टू 16 आर सेम सिमिलर, सो अपना 16 नंबर सम करते हैं, बाकी तुसी अपने आप करोगे। इहदे विच डिफरेंस की है उन्हां नालों, इहदे विच टर्म्स मतलब कि इहदे विच एक टर्म इधर हुंदी सी, एक टर्म इधर हुंदी सी, इहदे विच कुछ ज़्यादा टर्म आ गए ते अपना रैशनल दे रेशो दे विच आ गए, क्वेश्चन दे विच आ गए। सॉल्व उवें करांगे इहनूं आपां सिंपलीफिकेशन। एलसीएम लै लो, इहनां 20 आ गया एलसीएम, 4 ते डिवाइड 5 नाल 5 आ गया, 5 नाल मल्टीप्लाई माइनस तां 4 आ गया, 4 5 4 जा तां 4 नाल मल्टीप्लाई गया 2x माइनस 1 ओवर 3। फिफ्टीन एक्स माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x टू एक्स माइनस 1, फिफ्टीन एक्स प्लस 4x 19x माइनस 10 माइनस 8 माइनस 18 अपॉन 20। इन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या इन्हों का एलसीएम जो 60 आऊगा, 60 नाल मल्टीप्लाई कर दी जी, अपना इन्हों का एलसीएम 60 आऊगा, 60 नाल मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो इतने अपना 20 रह जूगा, जा सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इधर 60 नाल करांगे तां 3 रह जूगा, चाहे दी 3 कर दो, गल एक ही आ। तां गा 40x माइनस 20 57x माइनस 54। तां इहदे विच की करांगे हुण आपां, एडिंग माइनस 40x ऑन बोथ साइड, माइनस 40x अपने दोनों पासे ऐड करता, तो ये विच अपना माइनस 40x माइनस 54 तो कैंसल, माइनस 20 ये बन गया 17x माइनस 54, तो माइनस 54 मतलब कि है गया इधर, तो प्लस 54 कर दो दोनों पासे, ये लिख लिख भी सकते हैं आप जी लाइन मैं बोल रहे हैं, एडिंग 54 ऑन बोथ साइड, तो 54 या 34 बन गया, इनू इस तरह भी लिख सकते हैं 17x ये मूँह पर मतलब कि 34 वाल है, इस तरह भी लिख सकते हैं, गल एक है, तो 17 नाल डिवाइड कर दो बोथ साइड, इतने कैंसल हो गया अपना 17, इतने गया 2। ठीक है, तो एक्स लैस दैन इक्वल टू 2 इनू किवें लिखांगे, इंटरवल दे विच लिखण दे विच कईआं नूं बच्चे स्टूडेंट्स नूं प्रॉब्लम आ रही है, तो उहदे विच की है एक्स लैस दैन इक्वल टू 2 इहदा मतलब की है एक्स 2 दे इक्वल हो सकदा है, वध तों वध 2 है, एक्स दी वैल्यू वध तों वध 2 है, इहदा मतलब है लैस दैन इक्वल टू 2, जां तां 2 होगा जां लैस दैन होगा, तां एक्स बिलोंगस टू 2 इक्वल भी है तां क्लोज्ड इंटरवल, जे इक्वल ना होंदा इस तरह होंदा गला 2 तो ओपन इंटरवल होना सी, जिधरले पासे इक्वल भी आ गया उधरले पासे क्लोज्ड इंटरवल लावांगे। हुण छोटे से छोटे वैल्यू आपां पता ही नहीं, छोटे से छोटी वैल्यू माइनस इनफिनिटी हो सकती है, क्योंकि नंबर लाइन दे विच लैफ्ट वाले साटे माइनस शुरू हो जाता है, तो घट तो घट माइनस आपां नूं पता ही नहीं, तो माइनस इनफिनिटी लिखांगे मतलब कि इनफिनिटी मतलब बहुत घट वैल्यू, तो ओपन इंटरवल लावांगे इधरले पासे। ठीक है, तो इस तरीके नाल तुसीं
नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेने। नेक्स्ट आप करते हैं 20th क्वेश्चन, बीमा क्वेश्चन है तो सेम ही आ, बट वो होर कैलकुलेशन थोड़ी जी ज़्यादा आ गई सिंपलीफिकेशन। ये अपने को 20th सम है, 17 तो जो 20 17 तो लैके 20 सम तक अपने सॉल्व करना है पहले तरह, तो वह इंटरवल लिखना, बट इतने ग्राफ नंबर लाइन से ग्राफ भी शो करना है। देखो कि करते हैं आप सॉल्व उमें उस तरीके एलसीएम 6 इन्हों का 15 आ गया, 15 थ्री 3 से डिवाइड करें 5 में मल्टीप्लाई माइनस 5 से डिवाइड करें 3 मल्टीप्लाई ये या 25x माइनस 10 21x माइनस माइनस प्लस प्लस 9 अपॉन 15 एक्स बाय 2 लेस देन 25x माइनस 21x 4x माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इन्हों का एलसीएम 30 है 30 मल्टीप्लाई करा दोनों पास तो ये 15 रह जूगा उरे जब 15 में इस तरह एक ही गल है इतने 30 15 मतलब कि उरे 30 मल्टीप्लाई करा तो उरे 2 रह जूगा चाहिए 2 इधरों इस तरह मल्टीप्लाई कर दो गल एक ही आ गया 15x लैस दैन 2 4 जाए 8x माइनस 2 तो हूँ अपने को माइनस 8x ऐड कर दो दोनों पास एडिंग माइनस 8x ऑन बोथ साइड क्योंकि 8x से तो खत्म हो जाएगा कैंसिल 15x माइनस 8x 7x माइनस 2 तो डिवाइड कर दो 7 नाल ऑन बोथ साइड माइनस 2 बाय 7 तेन किमें लिख सकता है यदा मतलब है एक्स बिलोंगस टू माइनस 7 लैस दैन माइनस 7 बाय माइनस 2 बाय 7 माइनस 2 बाय 7 जी बड़ी तो बड़ी वैल्यू है तो एक्स हमेशा इस तो लैस दैन होगा लैस दैन इन ओपन इंटरवल लावे क्यों क्योंकि कला लैस दैन का साइन है इक्वल टू नहीं है घट तो घट इस तो घट घट तो घट तो घट वाली माइनस इनफिनिटी हो सकती है तो यह आ गए इन नंबर लाइन पर किमें शो करना हूँ ये अपना नैगेटिव वाले इधरों चले आ रहे हैं अपना 0 0 चलो इतने ला लो कोई चक्कर नहीं 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 डैश 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 करते करते माइनस इनफिनिटी मतलब कि बहुत दूर है डैश डैश का मतलब हूँ माइनस 2 बाय 7 2 बाय 7 कितना होगा अपना मतलब कि अपना 7 से डिवाइड करके देखिए 0 ला लीए पॉइंट ला के 2 6 फिर माइनस 0 होगा 28 0.28 इतने जाऊगा अपना यानी चौथा हिस्सा कह देंगे 1 का तो वह जाऊगा ओपन इंटरवल है तो इन ओपन रखना है इस ठीक है इधर माइनस इनफिनिटी तक है तो इन डार्क कर देना लाइन इतों लैके ये अपना ग्राफ आ गया इतों लैके जिते अपना वो हैगी लाइन एरो मार दो ठीक क्योंकि माइनस इनफिनिटी का खत्म ही नहीं होना तो ये आ गया अपना इन डार्क कर देने जे ही इंटरवल क्लोज्ड होंदा सपोज दोनों पासे क्लोज्ड होंदा तो उन्हूं आपां इस तरह मार देंगे दोनों पासे सर्क जिहड़ा इन सर्कल कीता इन डार्क कर देंगे जे एक पासे होंदा सपोज इधरले पासे होंदा इधरले पासे ना होंदा इन ओपन रख देंगे तो इन डार्क कर देंगे जी बिच लैन जाती है उन्होंने भी डार्क करना है अपने ठीक है तो ये थोड़ा हो गया 20th क्वेश्चन।
नेक्स्ट आप 21st करते हैं तो उस तो बाद एक्सरसाइज कल फिनिश करा तो नैक्सट लैक्चर फिनिश करा। रवि ओबटेन्ड 70-75 मार्क्स इन फस्ट 2 यूनिट टैसट। रवि ने पहले 2 टैसट यूनिट यूनिट टैसट 70-75 मार्क्स लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गैट इन द थर्ड टैसट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। कहने भी घट्टो घट किन्ने मतलब कि थर्ड के किन्ने नंबर लवे वह कि एवरेज 60 मार्क्स बन जाए। तो हुण एवरेज की होंगी है, मान लो वो एक्स नंबर लगेगा, लैट मार्क्स ओबटेन्ड इन थर्ड टेस्ट एक्स मान लाँगे आप। तो पहले दो टेस्ट पता है एवरेज मार्क्स की होगा, एवरेज मार्क्स वो कहने भी घट्टो घट 60% हो। एवरेज किमें कटते हैं आप, नंबर ऑफ टर्म प्लस मतलब कि सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म तीन ने इतने तीन का प्लस, जिमें पहले चो ने 70 लेने 75 प्लस अपने एक्स एक्स अपने फाइंड करने भी घट्टो घट्ट किन्ने नंबर एग्जैक्टली नहीं कह सकते भी घट्टो घट्ट इन्ने तो लवे फिर बन जाएगा। अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 3 ने 3 टेस्ट ने तो यह बन गया एवरेज मार्क्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज मार्क कहते घट्टो घट 60 हो, मतलब कि यदि वैल्यू घट्टो घट 60 तो हो गए, 60 या 60 दे इक्वल तो यह आ गया, यह आ गया अपना 145 प्लस एक्स। 3 नू इधर मल्टीप्लाई कर दो या दोनों पास मल्टीप्लाई कर दो 180 माइनस 145 माइनस कर दो दोनों पास तो इतों कैंसल 180 माइनस 145 ये अपने को बन गया दोनों पास कर दो जी 180 माइनस 145 35। कहते भी घट्टो घट लिखनी अपने लाइन ही शुड रवि शुड गेट एटलीस्ट 30 मार्क्स 35 मार्क्स घट्टो घट 35 मार्क्स होने चाहिए ने, वादा के कोई चक्कर नहीं 60% तो बनूगी, घट्टो घट 35 होने चाहिए ने 60% बनूगी। ठीक है तो तुम इस तरीके नैक्सट क्वेश्चन 23 तक ट्राई कर लेने, नैक्सट आप जोड़े रह गए हो नैक्सट लैक्चर के करा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।